press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार महविश नाज को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और खासकर हमारे प्यारे धर्म सनातन धर्म के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। भारत में 40 लाख मंदिर हैं, ऐसे तो 80 लाख हैं, 40 लाख मंदिरें सरकार को टैक्स देती है और साथ साथ कैंसर हॉस्पिटल, गुरुकुल, स्कूल, आश्रम, बहुत सारी चीजें भी चलाती है और 3 लाख मस्जिदें हमारी सरकार से पैसा लेती है, 20 लाख से ऊपर मदरसे हमारी सरकार से भीख और चंदा लेते हैं। और उन मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है? उन मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है कि हिंदू काफिर है, हिंदुओं का गला काटना इस्लाम में सबसे बड़ा काम है। जो कोई भी हिंदुओं का गला काटेगा उसको अल्लाह तबारक ताला जहन्नुम की आग से बचाएगा और जन्नत में 72 वर्जिन हूरे अता फरमाएगा। ये पढ़ाया जाता है मदरसों में, ठीक है? और इसको पढ़ाने का और मौलवी साहब का पैसा कौन लेता है? हमारे भारत की सरकार। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि अगर वाकई में सभ्यता, संस्कार, सब्र, इस्तकलाल, इज्जत, तहजीब, ये सारी चीजें अगर पूरी दुनिया को किसी से सीखने की जरूरत है तो वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म से अगर आपने थोड़ा सा भी 10% भी सीख लिया तो आप एक अच्छे इंसान तो जरूर बन जाएंगे, जरूर बन जाएंगे। नाज़िया जी, अभी आपने बजट के और प्रोजेक्ट्स की बात की तो 1000 करोड़ का बजट जो है रखा गया है, लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज जो है बनाया जा रहा है, आई गेस गुजरात में ही है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे बताइएगा, इसकी इनॉग्रेशन के लिए नरेंद्र मोदी जी खुद गए हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, आने वाले टाइम में कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अलावा भी 25 और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको इनॉग्रेट किया जा रहा है जल्द। देखिए, हमारा सोलर क्या ये सब कुछ इलेक्शन, क्या ये सब कुछ इलेक्शन की वजह से हुआ? अच्छा, इलेक्शन की वजह से हमारा इकोनॉमी 7.9% मतलब 8% पे चला गया, क्या इलेक्शन की वजह से गया? अभी 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 गया है, अभी गया है क्या? 30,000 से ऊपर योजनाएं भारत के प्रधानमंत्री ने निकाला, क्या ये अभी आया है? अभी तुरंत आया है 30,000 से ऊपर योजनाएं, क्या ये अभी तुरंत आया है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो कैसे आपने सवाल बेतुका कर लिया? कैसे सवाल आपने बेतुका कर लिया? क्योंकि सोलर हब की बात भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2021 में किया और अभी पूरा हो चुका है। नितिन गडकरी जी ने हर गांव को सड़कों से जोड़ने की बात कही थी, पूरा प्रोसेस कंप्लीट है, गांव गांव में आप जाइएगा। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया था क्योंकि अब जिस तरह द्वारका वाला कि एक तरफ इतनी इंटेंस सिचुएशन चल रही है, इतने सारे काम, लेकिन आपके नरेंद्र मोदी जी द्वारका गए माथा टेकने और उसके लिए प्रेयर्स के लिए, तो इतने हेक्टिक रूटीन में से इन चीजों के लिए टाइम निकालना तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे नहीं पता महविश आपके बारे में, आप तो इस्लामिक देश पाकिस्तान में रहती हैं, मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, सुबह 6 बजे से लेकर। नाज़िया जी, हमारे यहाँ हमारे पॉलिटिशियंस नहीं जाते मस्जिदों में, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। लेट मी फिनिश। मैं मुसलमान हूँ, मेरे ऑफिस में चैम्बर में जानमाज रहता है, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इसी की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं नेल पेंट वगैरह से बहुत दूर रहती हूँ, नहीं तो मेरा वजू नहीं। आप कितने भी मेरे पुरानी तस्वीरें उठा करके देख लीजिए, ना ही बड़े नेल्स हैं और ना ही उसमें नेल पेंट है। दूसरी चीज मैं और आपको बता देती हूँ, मेरे चेहरे पर मेकअप नहीं होता है क्योंकि वजू करना होता है मुझे इसलिए। और इसके अलावा मैं दिन भर में तकरीबन 10 से 15 डिबेट में होती हूँ नेशनल न्यूज और आप लोगों के साथ, इसके बाद मैं कोर्ट भी जाती हूँ, सुबह में योगा भी करती हूँ और अपने बेटे से भी 15 मिनट वीडियो कॉल पे बात करती हूँ।
भारत के, मैंने कहा ना आपसे, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, सिविलाइजेशन, सभ्यता, संस्कार, सब्र, मानवता, अगर आपको सीखना है तो 10% सनातन धर्म को सीख लीजिए, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी जिंदगी का फोकस और विजन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत मंत्रा दे देती हूँ, वो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। मैं जब भी अपनी जिंदगी में किसी दुविधा में या किसी परेशानी में मुब्तिला हो जाती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि आगे क्या होगा, तो मैंने इस चीज को, मुझे एक बहुत बड़े गुरुजी ने बताया था, बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं लूंगी अभी, बहुत बड़े गुरुजी ने बताया था कि नाजिया कुछ नहीं करना है, भगवत गीता है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ हाँ गुरुजी, बिल्कुल है मेरे पास, मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ भगवत गीता। तो बस उसका कोई भी पन्ना आंख मूंद करके खोल देना और राइट हैंड साइड में जो श्लोक आएगा उसको पढ़ना, वही तुम्हारे समस्या का समाधान होगा, वही तुम्हारे प्रॉब्लम का समाधान। मुझे इसकी फ्रंट साइड दिखाइएगा, मैंने इसको नहीं देखा पहले कभी। ओके नाइस। ये भी अरबी होती है? नहीं नहीं बड़ी भी होती है, क्योंकि मैं हर वक्त कैरी करती हूँ, अरबी में भी भगवत गीता है मेरे पास, दिखाएं। अंदर दिखाती हूँ। It's all Arabic. Nice. ये मुझे इस दुनिया के सबसे बड़े आइस्कॉन टेम्पल ने मुझे गिफ्ट किया था, इस दुनिया के सबसे बड़े आइस्कॉन टेम्पल ने मुझे गिफ्ट किया। Nice. तो उनका ये जो मंत्रा गुरुजी ने मुझे दिया कि नाजे जब भी दुविधा आए, जब भी परेशानी आए, जब भी ऐसा लगे कि आगे क्या करना है, आंख बंद करो, भगवत गीता को कहीं से भी खोल दो, राइट हैंड साइड में जो श्लोक आएगा उसको पढ़ो, यही तुम्हारे समस्या का समाधान है। और मैंने एक बार नहीं, 500 बार मैंने इस चीज को मैंने परखा है, आजमाया है, और एक्चुअली में वो वर्क किया है, एक्चुअली में, सच मानो में वो वर्क किया है। तो देखिए, आस्था के लिए ना, या अपने मजहब के लिए, अपने विश्वास के लिए समय अपने आप निकल जाता है, अपने आप निकल जाता है, उसके लिए समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप हो जाता है, बस आपके मन में होना चाहिए कि हमको, मुझे ये करना है, तो वो अपने आप हो जाता है। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि भारत में 3 तलाक बंद होना चाहिए, और मेरी मम्मी बहुत चीखती थी, हमेशा दूसरे दिशा में चले जाती है, हमेशा दूसरे दिशा में चली जाती है। तो जब मैं इस कैपेबल हुई, इस काबिल हुई, और बहुत अर्ली स्टेज में, मेरे प्रैक्टिस के बहुत अर्ली स्टेज में मैंने PIL फाइल कर दिया, और वो भी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, कि तलाक बंद कर, और सब मेरा घर भी मेरे से नाराज था कि क्या कर रही हो तुम, अभी प्रैक्टिस करो, अभी सीखो, अभी कुछ समझो, तुमने डायरेक्ट, मैंने कहा हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं करूंगी, मुझे ये चीजें चुभ रही हैं, मुझे ये बुरा लग रहा है, मुझे करना है, और मैंने किया और मैं सफल हुई। हिस्टोरिकल जजमेंट आया, बेंचमार्क जजमेंट आया, और एक ऐसा जजमेंट आया कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया था 3 तलाक जजमेंट को। सॉरी बात काट रही हूँ, म्यूजिकल ट्रेवलर कह रहे हैं नाजिया जी को लोकसभा सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई एम सो सॉरी। अच्छा जी, ये मैसेज मेरे पास ना कोई 10वीं 11वीं दफा आ रहा है कि नाजिया मैम अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना हो, बात करनी हो, तो कैसे हो सकती है? रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड भाई, जब आप अपना नाम ही छुपा रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी कोई छुपा रहे हैं, तो फिर आपसे बात करना भी बहुत दिक्कत है। मुझे लगता है कि इंसान का आइडेंटिफिकेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और नाजिया इलाही खान ने आज तक कभी भी अपने आइडेंटिफिकेशन को नहीं छुपाया है। जो बातें होती हैं मैं क्रिस्टल क्लियर सभी सभी चैनल्स पर रखती हूँ, मैं बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं हूँ। तो रॉबिन हुड भाई,
सबसे पहले तो हिम्मत करें और अपने आइडेंटिफिकेशन के साथ सामने आए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई कुछ नहीं करेगा जी। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना तो वो आप लोग यही पूछ सकते हैं, और किसी तरह कांटेक्ट नहीं हो सकता इनसे। ये मेरे से बड़ी मुश्किल से होता है इनका कांटेक्ट, तो आपसे कहाँ होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं भाई मैं नेता और मंत्रियों के बीच में नहीं दिखती हूँ, मैं तो जनता के बीच में ही दिखाई देती हूँ हमेशा। मैं विश आई स्वेर, मतलब मैं तुमको सच बता रही हूँ कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती भी है कि फलाने मंत्री के पास चले जाइए, उनसे मुलाकात हो जाएगी, और उसी वक्त साइमल्टेनियसली मेरे पास आ जाता है कि उस वहां रोड शो पे आपको जाना है, तो मैं मंत्री का इनविटेशन कैंसिल करके मैं रोड शो पे जाती हूँ, क्योंकि वहां पर जनता से मुलाकात होगी, लोगों से मुलाकात होगी, मैं उनसे पूछ सकूंगी कि आपका दर्द क्या है, आपकी परेशानी क्या है। तो मैं ज्यादा प्रिफरेंस मैं लोगों को देती हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ शांति दूतों और जिहादियों की जम के बैंड बजाई, बल्कि बात की हमारे प्यारे सनातन धर्म के बारे में, और उन्होंने सनातन धर्म के बारे में बहुत ही सारी खूबसूरत बातें की और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए, और ये भी कहा कि जब भी वो परेशान होती हैं तो भगवद गीता पढ़ लेती हैं, तो शायद ही भगवद गीता से कोई अच्छी किताब होगी जो हमारे मन को शांति देती होगी, जो हमारे हर सवालों का जवाब देती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।